थिंकिंग को कैसे काबू में लाएं या कंट्रोल करें। रोज लोग पूछते हैं कि भाई हमको बहुत विचार आते हैं, रुकते ही नहीं विचार, ज़्यादातर निगेटिव विचार रहते हैं, कुछ समझता नहीं क्या करूँ, फिर काम नहीं सूझता है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, काम में मन नहीं लगता है। तो उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली दो प्रकार की, एक है पॉजिटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग, एक है निगेटिव ओवर थिंकिंग। पॉजिटिव एक तरह से अच्छी है, जिसको मतलब जो निर्णय लेना है या जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसको यदि बहुत लंबे समय तक उसका असर होने वाला है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हम बोल सकते हैं जिसको है, तो डेफिनेटली उसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। जैसा करियर कौन सा लेना है, कॉलेज कौन सा चूज़ करना है, बिजनेस पार्टनर को लेना नहीं लेना, लाइफ पार्टनर के बारे में है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, मतलब ऐसे कोई जो निर्णय सोचना चाहिए, ओवर थिंकिंग करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक योर ओन टाइम। कुछ ऐसे रहते हैं कि जो बहुत ही चिल्लर रहते हैं और उसके बारे में लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। जैसे लेडीज़ अपने हस्बैंड को पूछती है शाम को सब्जी कौन सी बनाऊँ, उसके बारे में ज़्यादा थिंकिंग करना, या फिर कौन सी सब्जी लाना है बाजार से, या कपड़े धोना नहीं धोना है, फिर कपड़े खरीदना है कौन सी लेना है, साड़ी कौन सी लूँ, फिर रात को होटल में जाना है कौन से होटल में जाना चाहिए, होटल में गए तो कौन सा मेनू, कौन सी सब्जी ऑर्डर करना, उसके बारे में ज़्यादा ही सोचना, तो एक वो हो जाता है रोज का है वो। अरे तीसरा ऐसा है कि कुछ तो भी हो जाएगा, एंग्जाइटी कि फ्यूचर में कुछ तो भी गड़बड़ होंगी, उसकी चिंता है, उसके बारे में फिर विचार कर रहे बहुत, या अतीत में कुछ तो भी हुआ है उसके बारे में डर लग रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा फ्यूचर में, तो अतीत को आपने फ्यूचर में ला के रखा हुआ है, एग्जाम में फेल होंगे, पता नहीं कैसा कहाँ से आया हो, डर लग रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या अतीत में जो भी दुर्घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, डिप्रेशन उससे आया हुआ है, उसके बारे में फिर विचार करना, तो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और उसके वजह से फिर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। लोगों को छोटी छोटी बात की भी रहता है कि बच्चा लेट आ गया तो क्यों नहीं आया, बहुत चिंता करना, 7 बजे, 7:15, 7:30, अभी बेटी आई नहीं घर पे, एक्सीडेंट हुआ नहीं क्या, तो हुआ भाई देखना है, मतलब ऐसा रहता है लोगों का कि भाई उसके बारे में एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और बहुत चिंता है, बहुत ओवर थिंकिंग है। कुछ लोगों को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फालतू चीज़ों के बारे में रिपीटेडली वही 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 विचार, गंदा है ये, गंदा है वो, गंदा है उसको धोना। कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग है रास्ता पार करने का डर, वो कैसा होगा, बाजार में जाने का डर, मार्केट नहीं, शॉपिंग नहीं, कहीं जाना नहीं आना नहीं, फोबिया है और उसका डर है, फ्यूचर की चिंता है कैसा होगा, करियर में कैसा होगा, तो ये ऐसे डर और ओवर थिंकिंग चालू रहता है। फिर इसका असर क्या होता है, इसका असर ये है कि जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है, डर लगता है, तो फिर हम चीज़ें आगे ढकेलते हैं, ठीक है बाद में देखेंगे, तो निर्णय जल्दी हम लेते नहीं है, डिसीजन लेते नहीं है, आगे ढकेलते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, या फिर वो चीज़ करते ही नहीं है, पीछे हट जाएंगे, रिस्क कम लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे लोग, फिर डर लग रहता है कि क्या होगा क्या नहीं, और फिर एक तो खुद पर शक भी होता है कि मैं उतना काबिल हूँ कि नहीं हूँ, और खुद को डाउन कर देते हैं। क्या हमारे मन में 60,000 थॉट्स आते रहते हैं दिन भर में अप्रॉक्सीमेटली, कितने सारे पॉजिटिव है, कितने सारे निगेटिव है, ज़्यादातर निगेटिव है, 95% निगेटिव है, आपको कितने याद रहते हैं, बहुत कम, तो उसका उतना असर नहीं रहता है क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं। ओवर थिंकिंग वाले जो लोग हैं वो थॉट एक ही पकड़ लेंगे, चालू कर देंगे उसके बारे में। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हमको देखना पड़ेगा कि भाई आया कहाँ से ये, तो क्या है कि एक तो पास्ट में ऐसा कुछ तो भी हुआ जो नहीं चाहिए था वो हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, फेल हो गए, फटका बैठ गया, लॉस हो गया, मार बैठ गई, जो भी कुछ है पास्ट से आया हुआ है वो, और पास्ट में कोई भी गड़बड़ हो गई है तो उसको हमने ला के रखा है फिर फ्यूचर में, और वहाँ से फिर हमको लगता है कि वैसे ही हो जाएगा। नंबर दो, बच्चा जब आप थे, छोटे थे, तो हो सकता है कि आपको है ना माँ बाप ने ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी नहीं दी होगी, सब आयता दिया होंगे रेडीमेड, आपको निर्णय लेने के लिए दिया ही नहीं, सब आपको हाथ पे मिल रहा है, जगह पे मिल रहा है, तो आपने ना कभी कुछ काम किया, फोकट मिल रहा है, ना कभी रिस्क लिया, ना कहीं बाहर गए, ना कुछ किससे बात किया, सब फुकट में फ्री में मिल रहा है, या फिर माँ बाप ने आपके ऊपर क्रिटिसाइज किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये गलत है, वो गलत है, और आपको बार बार गलत ठहरा, दोनों से भी ऐसा होता है कि वो आदमी काम ही नहीं करता, निर्णय लेता नहीं है, तो ये बचपन से आदत बनी हुई है, ये भी हो सकता है। चलो कुछ भी हो जाए मगर ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम है,
उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, आदमी जल्दी निर्णय लेता नहीं है, सफलता आगे आगे चले जाती है। क्या करना है मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। नंबर एक, जितने भी आपके आप क्या करो आज ये भी वीडियो सुनते हैं ना आप, जितने भी पेंडिंग डिसीजंस है जो भी आपने आगे धकेल दिया है सब लिखो, नंबर एक, और उसके सामने डाल दो डेट और टाइम कि मैं कब करने वाला हूँ, उसके बारे में हाँ ना काट देने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ उसके सामने लिखो, पेंडिंग डिसीजंस कौन से, डेट एंड टाइम। ये पहला, क्या होगा आपका दिमाग खाली हो जाएगा और सब कागज़ पेन पेपर आएगा, कागज़ के ऊपर आएगा, दिमाग खाली हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। और फिर जैसा टाइम और डेट डाल रहे हैं वो काम आप ख़त्म कर रहे हैं तो नेचुरली ओवरथिंकिंग बंद हो जाएगा। नंबर एक, पेंडिंग डिसीजन नहीं होना, कागज़ पर लाओ ख़त्म करो। नंबर दो, जब भी आपको बहुत चिंता लगी रहती है, ये होगा क्या, वो होगा क्या, बहुत चिंता है, धड़धड़ हो रही है, हाथ कांप रहे हैं, डर लग रहा है, फिक्र लग रही है, कैसा होगा, बाप रे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, खुद को पूछो कि भाई मैं जो ये बुरा सोच रहा हूँ कि बुरा होगा, क्या सचमुच ही होगा, क्या उसका प्रमाण है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, कुछ प्रमाण है इसका, कुछ एविडेंस है, कुछ फैक्ट है, कोई रैशनल है, कोई लॉजिक है इसका कि मेरे दिमाग की बात चल रही है सब, खुद को पूछो। नंबर दो। नंबर तीन, आप आपके दोस्त की हेल्प ले सकते हैं जो आपका हेल्प कर सकता है, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसका कोचिंग ले सकते हैं, दोस्त की हेल्प ले लो जो आपको मदद करेगा, और आप उसके साथ में ऐसा दोस्त की जिसके साथ में आप अपनी पूरी बातें बताते हो, टाइम लो, चर्चा करो तो अच्छा हो जाएगा। नंबर चार, क्या करो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है ना, चेंज योर पोजिशन, चेंज योर वर्क, आप जहाँ भी काम करें वहाँ से निकल जाओ, दूर कहीं चले जाओ, दूसरा काम चालू कर दो, किसको फ़ोन करो, कुछ तो भी हॉबी में लगो, अच्छा जो आपको अच्छा व्यक्ति लगता है उससे बातचीत करो, जो अच्छा काम लगता है वो काम की शुरुआत करो, मतलब वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि क्या होता है वो बार 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 वही जगह पे बैठे हैं, वही वही विचार आ रहे हैं ना, उसको बंद मार देना, दूसरा कुछ तो भी चालू कर देना। नंबर चार। नंबर पाँच, ये सब करके भी नहीं हो रहा है तो हैव ए कोच, प्रोफेशनल कोच, या आपका मेंटर, या आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, या साइकोथेरेपिस्ट, जैसे हमारे पास में काफ़ी लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो, और हमको ऐसा लगा तो हम उनको दवा भी देता है, मैं जैसे डॉक्टर में उनको दवा देता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही, चलो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिन के लिए दवाई लो, और ये दवाई लेके फिर आप अपना काम चालू रखो, फिर धीरे धीरे दवाई बंद कर देंगे। दवाई से क्या होता है, फटाक से फ़ायदा भी हो जाता है, ओवर थिंकिंग भी कम हो जाता है, उसको अच्छा भी लगता है, और हम साइकोथेरेपी, काउंसिलिंग, हिप्नोसिस, ये सब माध्यम से उसका ओवर थिंकिंग कम कर देते हैं, उसका दिमाग शांत होता है, रिलैक्स होता है, खुश रहता है, और बहुत सारा लाइफ वो एंजॉय कर सकता है। जो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो, बहुत ज़्यादा प्रमाण ओवर थिंकिंग का है, उससे बहुत प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर होता है, यदि ये लोग ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा। जो आपको अच्छा लगा तो जरूर थम्सअप दे दो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।